केवल चर्चा में बने ही रहते हैं, और जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो राजनीतिक पार्टियां हर महीने दो महीने में मुगलों से जुड़े तार छेड़ी देती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मुगल सल्तनत ने भारत पर तकरीबन 300 साल तक राज किया, वो भारत में कैसे आए? आखिर किसने रखी थी भारत में मुगल शासन की नींव? कौन था वो जिसके वंश ने भारत में इतने सालों तक राज किया? चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, मुगल सल्तनत की नींव भारत में जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर ने रखी थी। बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान फरगना घाटी फरुखगढ़ में 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो खुद फरगना घाटी के एक शासक थे, और बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर जब 12 साल का था, तब बाबर के पिता की मृत्यु हो गई थी। बाबर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका पूरा काम संभाला था। बाबर एक बहुत ही काबिल शासक था। बाबर ने बहुत ही कम उम्र में अपने आप को युद्ध भूमि में झोंक दिया था। बहुत छोटी सी उम्र में बाबर ने बहुत से युद्ध और हार जीत देख ली थी। बाबर ने तुर्किस्तान के फरगन प्रदेश को पूरी तरह से जीत कर उस राज्य पर राज किया था। बाबर हमेशा से अपने लक्ष्य का पीछा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। ऐसा माना जाता है कि बाबर के खून में दो महान शासकों का खून था, जिस वजह से वो एक महान शासक बना। कई इतिहासकारों के मुताबिक बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर वंश का 5वां और अपनी माँ की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। ऐसा कहा जाता है कि बाबर का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। बाबर संस्कृति को मानने वाला और बहुत ही शक्तिशाली था। बाबर एक कवि भी था। बाबर तुर्की में कविता लिखा करता था। और इसके साथ ही बाबर को नेचर यानी कि प्रकृति से बहुत प्यार था, इसीलिए इसने अपने शासन काल में कई बगीचों का भी निर्माण करवाया। बाबर का वैवाहिक जीवन। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर की कुल 11 पत्नियां थी। बाबर की उन 11 पत्नियों से उसको कुल 20 बच्चे पैदा हुए थे। आयशा सुल्तान बेगम, जैनब सुल्तान बेगम, मौसम सुल्तान बेगम, महम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, मिका यूसुफ रजाई और गुलनार अघाचा, इन सभी को उसकी बेगम के तौर पर जाना जाता था। बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जिसने उसकी मृत्यु के बाद भारत में शासन किया था। बाबर का भारत आगमन। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बाबर भारत आने से पहले मध्य एशिया में अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। वो वहां उसे कोई खास सफलता नहीं मिल पाई, तो भारत की ओर वो बढ़ा और भारत आ गया और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। बाबर जब पहली बार भारत आया था, उस समय भारत की राजनीति उसके लिए एकदम ठीक थी, क्योंकि उस समय दिल्ली का सुल्तान यहाँ ढंग से शासन नहीं कर पा रहा था। तब बाबर को अच्छा मौका लगा और उसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी बाबर के लिए यहाँ राज करना इतना भी आसान नहीं था। बाबर ने भारत पर बहुत बार आक्रमण किया और तब कहीं जाकर बाबर भारत पर अपना राज स्थापित कर पाया। उस समय दिल्ली और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर राजपूतों का राज था और आसपास के क्षेत्र आजाद थे। आपको बता दें कि बाबर जब भारत आया था, उस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो कि शासन नहीं कर पा रहा था। आगे बात करेंगे कि किस तरह से बाबर ने इब्राहिम लोदी को उसकी सत्ता से खदेड़ दिया। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बाबर के भारत पर किए गए आक्रमणों के बारे में। आपको बता दें कि 1519 से 1526 ईस्वी तक भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर में किया था, और इस आक्रमण में बाबर ने भैरा के किले को जीता था। इस युद्ध और इस घटना का पूरा इतिहास बाबरनामा में भी मिलता है। इतिहास के मिले कुछ सबूतों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि बाबर ने इस युद्ध में पहली बार बारूद और तोपखाने का इस्तेमाल किया था। इसके बाद बाबर ने 1529 में ही सितंबर में फिर से भारत पर आक्रमण किया, और वो इस बार बिना कुछ करे ही वापस काबुल लौट गया। इसके बाद 1520 में बाबर ने दोबारा भारत पर आक्रमण करने के लिए तीसरा अभियान शुरू किया। इस बार बाबर ने बैजौर और भेरा नगर को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद कुछ जगहों पर तो लोगों ने बाबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया, वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। जिन लोगों ने बाबर की सत्ता का विरोध किया था, बाबर ने उन पर बल का इस्तेमाल किया। इसके बाद बाबर को कंधार से बगावत की खबर मिली, जिसके बाद उसका ध्यान कंधार की तरफ चला गया। इसके बाद बाबर का भारत पर चौथा आक्रमण लगभग 1524 ईस्वी को हुआ। उस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। उस समय इब्राहिम लोदी और उन्हीं के परिवार के सदस्य दौलत खान के बीच अनबन थी।
दौलत खान पंजाब का आजाद शासक बनना चाहता था। इसी दौलत खान ने ही बाबर को बुलाया था। 1524 ईस्वी में बाबर ने इस इन्विटेशन को स्वीकार किया। इसके बाद उसने एक शक्तिशाली सेना बनाई और फिर लाहौर की ओर आगे बढ़ा। इसके बाद इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में घमासान युद्ध हुआ, जिसे पूरी दुनिया पानीपत के युद्ध के नाम से जानती है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। कई इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि इस युद्ध से पहले बाबर ने करीब 4 बार जांच पड़ताल की थी ताकि उसे इस युद्ध में जीत मिल सके। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध के साथ मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह भी ये चाहते थे कि बाबर इब्राहिम लोदी से युद्ध करे और इस युद्ध में जीत जाए, क्योंकि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा आपस में दुश्मन थे। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने भी अफगान से बाबर को भारत आकर इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए कहा था, क्योंकि मेवाड़ के राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच उन दिनों मालवा को लेकर लड़ाई चल रही थी। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को हराया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलुल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को खत्म कर दिया था। पानीपत के इस युद्ध के बाद भारत ने अपनी जीत की खुशी में पानीपत मस्जिद का निर्माण करवाया था। भारत के हिंदू राजा को लगता था कि बाबर पानीपत का युद्ध जीत कर भारत से चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बाबर ने इसके बाद भारत में ही अपने साम्राज्य की नींव रखने की सोची और यही रह गया। बाबर के भारत में बस जाने पर बाबर ने राणा सांगा को भी युद्ध के लिए चुनौती दे दी। ऐसा कहा जाता है कि बात राणा सांगा के लिए बहुत ही ताज्जुब बनी रही हो, क्योंकि जिस बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था, अब उसी ने उन्हें भी युद्ध के लिए चुनौती दे दी थी। इसके बाद 16 मार्च 1527 को दोनों के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया। आपको बता दें कि खानवा वर्तमान में राजस्थान के भरतपुर के पास मौजूद है। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी। आपको बता दें कि खानवा के इस युद्ध के बाद साल 1528 में मुगल शासक बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। पानीपत के और खानवा के युद्ध के बाद भी बाबर की मुश्किलें आसान नहीं हुई थी। बाबर का यहाँ भारत में रहना और राज करना बंगाल और बिहार के शासकों को पसंद नहीं था। बाबर के समय में बंगाल और बिहार में अफगानी शासक राज करते थे, जो बाबर को देश से भगाना चाहते थे। इन्हीं सब बातों की वजह से 6 मई 1529 ईस्वी को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। घाघरा के युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में एक बार फिर बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद से बाबर ने भारत के राज्यों को लूटना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद बाबर ने जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, मंदिरों को लूटा और लोगों पर अत्याचार किया। घाघरा के इस युद्ध के बाद बाबर बहुत ही बेफिक्र हो गया था और उसने इस दौरान बहुत ही ज्यादा नशा करना शुरू कर दिया था। इस वजह से बाबर की तबीयत बिगड़ गई और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। कुछ दिन के लिए बाबर की मौत का राज सबसे छुपाया गया था और बाबर की मौत के 4 दिन बाद यानी कि 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर के बेटे हुमायूं का राज्याभिषेक कराया गया। आपको बता दें कि बाबर एक महान योद्धा तो था ही, साथ में बाबर एक कवि और लेखक भी था। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। ये ऑटोबायोग्राफी बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसे बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था। इसमें बाबर ने उस समय के 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू राजाओं का भी उल्लेख किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर रामा में भारत पर आक्रमण करने के दौरान भारत की राजनीतिक दशा के बारे में भी उल्लेख किया था। बाबर ने इस आत्मकथा में हिंदुस्तान में देखी हर चीज के बारे में लिखा था। उसने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर और पवित्र धार्मिक स्थानों के बारे में भी लिखा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपने चरित्र को बहुत अलग तरीके से पेश किया था, जिसे पढ़ने के बाद बहुत से लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि बाबर आखिर कैसा शासक था। तो दोस्तों, ये थी बाबर की दास्तान।